अगर मांगने से नहीं मिल रही तो हम इसको छीनेंगे और छीनने का कार्य करेंगे। सब गुरु घर नहीं बनेगा और बन के रहेगा, मंदिर तो हमारे गुरु का वही बनेगा। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली के तुगलकाबाद में हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई गई। हमारे रहबर, हमारे गुरु, हमारे आदर्श संत श्री श्रोमणी रविदास जी के जो गुरु स्थान, हमारा गुरु स्थान है, उसे तोड़ दिया गया इस सरकार के माध्यम से। इसलिए हम लोगों ने 19 तारीख को दिल्ली बंद की कॉल दी थी और हम कोशिश कर रहे हैं उन सभी बहुजन समाज को, उन लोगों को जोड़ने की कि समय अब राजनीति करने का नहीं है, समय आ चुका है संघर्ष का। बहुत हो गए मंचों पर भाषण, जब हम बात करते एक होने की तो अब संघर्ष के समय हमें एक होना पड़ेगा। इसलिए हम लगातार अपने समाज के उन सभी बुद्धिजीवियों से, उन बहुजन समाज के उन नेताओं से, उन सामाजिक कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं कि वह लोग भी हमारे साथ आएं और 19 तारीख को जो इस सरकार ने एक सबसे गंदा काम किया, हमारे रहबर की जगह को तोड़कर वहां पे जो दीवार खड़ी कर दी है उसे तोड़ने के लिए हम लोग निकल रहे हैं। आज हमारे साथ बहुजन समाज के ही अपने एक बड़े साथी, बड़े सामाजिक कार्यकर्ता भाई मोहर सिंह पहलवान जी भी हैं। मोहर सिंह पहलवान जी, आपसे हमने दरख्वास्त की है, कृपया करके आप उस पर बात करें। ये 10 अक्टूबर को जो हमारे संत जी का स्थान तोड़ा गया था, ये बर्दाश्त के बाहर है। 10 अगस्त मंदिर तो राजा वहीं बनेगा, मंदिर तो वहीं बनेगा। लोग बाग भाषण देते हैं, स्टेज पे जाते हैं, भाषण स्टेज की, स्टेज जो है वो निकल गई है। सरकार हो, जिसने भी ये गलती करी है उसको भुगतना पड़ेगा। मंदिर तो हमारे गुरु का वही बनेगा। कीमत इसकी कुछ भी हो, वो हमारे लिए सस्ती है, वो हमारे लिए सस्ती है। मंदिर तो राजा हम वही बनाएंगे। और जिसने गलती करी है, चाहे वो कोई भी हो, राजनीति पार्टी या कोई और भी, जहाँ धर्म की बात आ जाए वहाँ पहले धर्म है, राजनीति नहीं है। तो आज लोग बाग धर्म से जुड़ने के लिए यहाँ आए हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी। जो हमारे संत जी थे 600 साल पहले, जिनको वो जगह मिली थी, कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। जिन्होंने गंगा कटौती से निकाल दियो, हमने तो कभी देखा नहीं। उनके बारे में सुना है, राजा नरेश से उनके टाइम में ऐसा हुआ है। वो संत और जिन संतों की जगह ऐसे करी गई हो, तो ये जितने भी हम बहुजन समाज पार्टी हैं, इनको जो ठेस पहुँची है, ठेस नहीं, एक होती है दिल लगी और एक होती है दिल पे लगी। ये हमारे दिल पे लगी हुई है और कुछ लोग वहाँ किससे दिल लगी कर रहे हैं। दिल लगी करने वालों समझ जाओ, ये बहुजन समाज पार्टी इकट्ठी हो गई है, मंदिर तो वहीं बनेगा। ये जितनी भी है बातें, अल्टीमेटम दे रहा है गियर, वो हम देखते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है। ये केजरीवाल हर जगह पहुंच जाता है, केजरीवाल हर जगह पहुंच जाता है। जब बहन जी ने ट्वीट करा तो कह रहा नहीं ये हमारे नहीं गियर वो। जब दिल्ली में तू बैठा है, चाहे DDA हो या सुप्रीम, कोई भी हो, जो इसमें दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि जहाँ धर्म की बात आती है वहाँ जान छोटी सी नज़र आती है। हम वो लोग आ गए जान हथेली के ऊपर लेके, अब कौम के लिए और धर्म के लिए अपने घरों से बाहर आए हैं। जो समाज चाहेगा, जो हमारे संत जाएंगे, उसका आदेश का पालन हम लोग वह करेंगे। हम किसी की इंतजार नहीं करेंगे कि 1000-2000 आदमी आए जब चलेंगे। भाई जब चाहेंगे, जब हमारे जो हमारे संत हैं, रविदासी संत हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनका आदेश है, जो वो करेंगे, जो वो आदेश देंगे हम उसको फॉलो करेंगे। इसकी कीमत कुछ भी देनी पड़े उसके लिए हम बड़े फ़ख्र से कहेंगे ये कीमत के जिम्मेवार हम हैं, और बड़े हंस के ये कीमत देने को हम तैयार हैं। जय भीम, जय वाल्मीकि, बोलो बाबा भीमराव अम्बेडकर की जय। हाँ भाई, जय भीम, जय वाल्मीकि, जय संत रविदास जी। जैसा कि अभी हमारे मोहर सिंह पहलवान जी ने हमें बताया, आप लोगों को बताया इन चैनलों के माध्यम से, आपको इन चैनलों के माध्यम से एक बात और बताने का कार्य करता हूँ कि मैं अपना पूरा समर्थन 19 तारीख के आंदोलन में देता हूँ। पूरा बहुजन समाज एक साथ खड़ा होगा। ये मनुवादी सरकार जो सोच रही है कि बहुजन समाज बिखरा हुआ है अलग अलग संगठनों में, अलग अलग पार्टियों में,
ये बिल्कुल भूल जाए, अपने दिमाग से निकाल दे। जब बहुजन समाज की बात आती है तो बहुजन समाज एक खड़ा होता है, और देख लो आज एक खड़ा है। यहाँ कोई संगठन नहीं, कोई पार्टी नहीं, सब बहुजन समाज एक साथ खड़ा है। और जो होने वाले 19 तारीख के आंदोलन में 19 अगस्त को हम सब लोग तुकलकाबाद, जहाँ मंदिर हमारा तोड़ा गया है, वहाँ जाएंगे और अपनी उस ज़मीन को हम वापस लेंगे। अगर मांगने से नहीं मिल रही तो हम इसको छीनेंगे और छीनने का कार्य करेंगे। सभी लोग हमारा साथ दें। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो लोग राजनीतियाँ कर रहे हैं इस मुद्दे पर, उनसे हाथ जोड़ के विनती है, राजनीति इस मुद्दे पर ना करें। ये धार्मिक है, ये श्रद्धा की बात है। और आप सभी लोग एकजुट होकर, एकजुट होकर एक मंच पर आएँ और इस मुद्दे के लिए आवाज़ उठाएं। जय भीम, जय वाल्मीकि। 19 तारीख के लिए अपील कर दीजिए। 19 तारीख को तो आप लोगों से अपील है, वाल्मीकि समाज से खास तौर से, कि भारी संख्या में आएँ और अपनी श्रद्धा का वहाँ प्रतीक बन के खड़े हों। ये श्रद्धा की बात है बाबू, संगठनों या कुछ भी हो, अपनी वहाँ आके श्रद्धा दिखाएं। क्योंकि संत रविदास जो हैं वो एक मानव जाति के हैं, वो किसी के नहीं हैं, वो सबके हैं। और जो मानव जाति को लेके चलता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। इसलिए 19 तारीख को भारी संख्या में सब लोग वाल्मीकि समाज निकल के आए, क्योंकि ये संतों की बात है, ये राजनीति की बात नहीं है। आपसे आग्रह है 19 तारीख को हम सब लोग तुकलाबाद गोविंदपुरी में पहुँचेंगे। समय क्या है? सुबह नौ बजे भारी की भारी संख्या में वो पहुँचे। जो हमारी आस्था को ठेस पहुँची है, उसको ठेस को थोड़ा सबर मिलेगा कि यार हमने ये संघर्ष करा, और संघर्ष कभी बेकार नहीं जाएगा। मंदिर तो राजा बाबू वो बनेगा, ये सब लोगों की आवाज़ है। यार ये नहीं सोचना कि खाली चैनलों पे कह रहा है, मंदिर तो कोई भी कीमत देनी पड़े, मंदिर तो वहाँ वीर जी बनेगा ही भाई। साथियों, अब भी जिसका खून ना खोला, खून नहीं वो पानी है, और देश कौम के काम ना आए वो भी क्या जवानी है। मेरे भाइयों, आवश्यकता है अब एकजुट हो जाने की, आवश्यकता है अब बदला लेने की, आवश्यकता है अब अपने रहबरों का, अपने गुरुओं का मान सम्मान बचाने की। जो कुठाराघात इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमारे हृदयों पर किया, हमारे गुरु और रहबरों पर किया, वहाँ पे जो गुरु ग्रह था उसको तोड़ने का काम किया, साथियों अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, सड़कों पर आएंगे, अपने हक अधिकार हलक में हाथ डाल करके छीन लेंगे। इन लोगों ने जो काम किया है बहुत ही निंदनीय काम किया है, हमारे गुरुओं पे, हमारे रहबरों पे इन्होंने जुल्म जातियाँ की हैं, वो बर्दाश्त नहीं होगी। सरकार से कहना चाहता हूँ, सीधे अल्फाजों में कहना चाहता हूँ, आंदोलन देख ले, 2 अप्रैल का आंदोलन, कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटते हम लोग। 13-13 नौजवान हम लोगों ने गवाए हैं, गवाने से पीछे नहीं हटेंगे। साथियों, अगर वो लोग गोली चलाएंगे तो हम लोग सीना तान के खड़े हैं। गुरु घर नहीं बनेगा और बनके रहेगा। जय भीम, जय गुरु रविदास, जय वाल्मीकि। साथियों, सबको क्रांतिकारी जय भीम। जो भाई लोगों ने टीवी चैनलों के माध्यम से जो संदेश दिया है, उस संदेश का पूरा समाज पालन करेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं भी बाबा साहब अम्बेडकर की संस्था चलाता हूँ, जिसको मैं भी 20 साल से लेकर चल रहा हूँ। मैंने भी बहुत राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक जितनी भी पार्टी हैं सबका सामना करता हूँ। ये जो घटना हमारे सीने पे हुई है, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसको हमारा समाज एकजुट होकर के, पूरे देश का समाज, दलित समाज, इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं, जो दलित समाज का मंदिर तोड़ा गया है वो इतना घोर इन्होंने काम किया है। एक इनका ये हिंदू की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान तो हिंदुओं का ही है, क्या हम हिंदू नहीं हैं क्या? या मंदिर ही सिर्फ हिंदुओं के लिए, ये दलितों के मंदिर नहीं है क्या? या हमारे भगवान नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर, रविदास जी, वाल्मीकि जी, क्या भगवान नहीं है क्या जो इनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है? एक राम के मंदिर को लिए तो तुम दुनिया भर की फौज लगा दी, दुनिया भर का पैसा लगा रहे हो, यहाँ तो अपने पैसे से मंदिर चला रहे हैं, उसको तोड़ रहे हो, तुम्हें यही बर्दाश्त नहीं हो रही? अभी तो हम आपसे कुछ ले नहीं रहे, अपने तन मन धन की कमाई से अपने गुरुओं के दरबार को चला रहे हैं। तुम तो सरकारी पैसे को, दुनिया भर के पैसे को इतना गलत ऑफिसों में लगा रहे हो, मंदिरों में लगा रहे हो, किस में नहीं लगा रहे हो?
तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है। हम तो दलित कौम समाज से यही कहते हैं, एकजुट हो जाओ। सबसे ज़्यादा दलित है हिंदुस्तान के अंदर, अगर ये एक हो गया इनके मंदिर मस्जिद सब देखे जाएंगे। ये जय भीम जय भारत। साथियों, जैसा कि सभी जानते हैं कि 19 तारीख को हम लोग निकलेंगे गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन से, हम सुबह 9 बजे चलेंगे। और इस बार बाबा साहब की एक बात मुझे याद आती है, अधिकार मांगने से नहीं मिलते, छीनने पड़ते हैं। उसी बात को आगे फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और वो जो दीवार इन लोगों ने हमारे जो गुरु स्थान को पर जाने से पहले रोक दी गई है, बना दी गई है, उस दीवार को हम तोड़ेंगे।